बीजगणित का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आज सीखेंगे बीजगणित में कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, किस प्रकार से गुणा करते हैं और किस प्रकार से भाग करते हैं। चलिए देखो, पहले सवाल में एक एक्स ये है आपका और एक एक्स ये है, एक एक्स और एक एक्स, इसके आगे गुणांक जो होते हैं वो जोड़ते हैं हम लोग, एक और एक, कितने हो जाएंगे, दो एक्स, एक्स और एक्स दो एक्स हो जाएंगे। ये आपका दो एक्स है और इसका एक एक्स है, दो और एक तीन एक्स, ये आपके आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी गुणांक एक है और इसका भी गुणांक एक है, तो घातों से हमें कोई मतलब नहीं है, जोड़ेंगे एक और एक तो आपका दो एक्स, और दोनों पे समान घात है तो घात लग जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर। और इसमें क्या है, दो है इसका एक है, तो क्या लगेगा आपका, दो और एक तीन एक्स, इस थ्री घात है थ्री लगा दें, एक्स की घात तीन। फाइव एक्स माइनस एक्स, ये फाइव एक्स है आपके, इस प्रकार से ले लो, एक एक्स दो एक्स तीन एक्स चार एक्स और पाँच एक्स, आपको एक एक्स कम करना है, कितने बचेंगे, चार एक्स लिख लो, ठीक है। अब देखो, ये आपका माइनस का चार एक्स है और ये माइनस के दो एक्स है, तो माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह आपका माइनस का ही आएगा, तो चार और दो कितने हो गए, छः एक्स, वो भी माइनस के। इस प्रकार से ये हो जाएगा, तीन एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा दो तो आपके दो एक्स स्क्वायर बचेंगे। अब ये देखो, ये 25x की घात 3 है और ये माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 20x की घात 3, ये माइनस में है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो ये वाला चिन्ह हमारा प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से 25x की घात 3 और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये बाहर, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब आपका आ गया 20x की घात 3। अब ये आपका 25 और ये 20 बीच में प्लस है तो इसका मतलब जुड़ जाएगा, 25 और 20 45 और ये x की घात 3 तो आपका x की घात 3 ही रहेगा। और देखो गुणा में क्या होता है, गुणा में ये गुणांक इसका 4 है और इसका 7 है, बीच में गुणा है, ये आपका प्लस का है और ये माइनस का है, तो इनकी जब गुणा होगी, प्लस और माइनस की जब गुणा होती है, प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो चिन्ह माइनस का आता है, तो चिन्ह तो माइनस का आ गया। 7 और 4 की गुणा कर दो तो आपके 28। अब ये आपका एक्स है और ये एक्स है, इसकी घात एक है तो गुणा में घातें जुड़ती है। इस प्रकार से अगर आपके आधार सेम होते हैं और गुणा है, घातें आपकी अलग अलग हैं और आधार सेम है तो घातें जो है जुड़ जाएंगी, आयन प्लस आयन बन जाएगा, ये आपका घातांक का नियम है, आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ये आपका कितना हो गया, एक एक्स की घात एक और एक्स की घात एक, तो ये गुणा में जब घातें जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो, इसी प्रकार से दो और तीन की गुणा कर दो, ये प्लस ये भी प्लस, दो तीन छः, एक्स स्क्वायर और एक एक्स, तो ये आपकी घातें जुड़ जाएंगी तो एक्स की घात तीन आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसकी घात एक है, इसकी घात
चार है, तो ये तो x की घात पाँच बन गया, और ये 24 और इसका गुणांक एक है, तो 24 एकम 24। ये इस प्रकार से बीजगणित का जोड़ घटाओ और गुणा। अब आ जाओ भाग पे। भाग देखो क्या है, भाग में हम इस प्रकार से भाग कराएंगे जैसे छोटे क्लासों में कराते हैं इस तरह से, और ये x है यहाँ पर लिख दो। अब भाग करा दो, x का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि x की गुणा किससे कराएं, x स्क्वायर आ जाए। तो हम इस प्रकार से जैसे ये पढ़ चुके हैं उसी प्रकार से ये करेंगे, x और x की जब गुणा कराएंगे तो x x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब ये घटा दो तो ये तो आपका जीरो आएगा, फिर बचा क्या आपका प्लस के 5x, प्लस के 5x उतार लिए। अब हम किससे गुणा कराएं कि आपका प्लस का 5x आए, तो यहाँ पर प्लस का केवल 5 से गुणा कर देंगे, 5 और x की जब गुणा होगी तो x गुणे में 5, तो 5x ही आएंगे। ये आ गए आपके 5x, वो भी प्लस के। अब ये घटा देंगे तो ये चिन्ह माइनस का हो गया, ये भी जीरो आ गया, ये हो गया। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे हम x प्लस 5। अब ये वाला भाग है ऐसे कर लो जिस तरह से ये किया है, यहाँ पर देखो इसको उतार लो 25x की घात 3